तो देखिएगा ये ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स आप लोग ध्यान से देखेंगे, तो ये है हमारा देखिए वोल्टेज है, ठीक है, और ये क्या है अमीटर है, ये क्या है वोल्ट मीटर और ये अमीटर, ठीक है। तो जब हम लोग क्या करेंगे इसको कनेक्ट करेंगे, मान लीजिए बैटरी से कनेक्शन करना, देखिए ये बैटरी का पॉजिटिव यहाँ लग जाएगा और निगेटिव वाला यहाँ हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक वायर जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे वायर ऐड कर देंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये वायर जो दिख रहा है ये है हमारा जॉकी एक तरह से, फिर इसको इस पर स्लाइड करेंगे, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना ये हमारा जो है आप रियो स्टार्ट समझिए, ये रियो स्टार्ट है और ये है वायर से हम इसको स्लाइड करेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा यहाँ पे आपको वोल्टेज और ये वोल्टेज और ये अमीटर दोनों की रीडिंग आप नोट करते चलेंगे, और ये रीडिंग आप कितनी बार करनी है जैसे जैसे स्लाइड करेंगे आपका, क्योंकि वेरिएबल रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा तो वोल्टेज और करंट आपका दोनों क्या करने लगेगा इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे रेजिस्टेंस इंक्रीज करते जाएंगे वोल्टेज रीडिंग और अमीटर रीडिंग में चेंजिंग आएगी, और आप क्या करेंगे ईजिली जो है इसको नोट करके और आप इसके बाद ग्राफ प्लाट करेंगे, तो ग्राफ आपको प्लाट करेंगे तो आप देखेंगे आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, तो इससे ये पता चल जाता है कि जो ओम्स लॉ का ऑपरेटर्स है वो क्या करता है स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। इसका मतलब है एट कांस्टेंट टेम्प, अगर फिजिकल फेनोमेना हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट होगा तो इसमें जो होगा जो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन बनेगा, पर ऐसा नहीं होता, थोड़ा फ्लैक्चुएशन होता है, क्योंकि जो आपका वायर यहाँ लगेगा वो वायर क्या होगा हीट होगा, ज़्यादा वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो वायर हीट होगा, इसकी वजह से क्या होगा थोड़ी सी चेंजिंग दिखेगी आपको, पर फिर भी आप ये देखने को आपको मिल जाएगा। अगर यही चीज़ अगर आपका आपने अगर ले लिया क्या सेमी कंडक्टर ले लिया, मतलब फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग में करेंगे तो ओम्स लॉ जैसा आपको नहीं देखने को मिलेगा, उसमें करेंटली करंट क्या होता है सडनली इंक्रीज कर जाती है और ज़्यादा इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से क्या होगा करंट जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, तो आपको कर्व टाइप मिलने लगता है। उसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम लोग देखते हैं तो देखिए क्या है ये इसका लीस्ट काउंट, अगर आपको देखना है इसका लीस्ट काउंट कैसे देखेंगे तो देखिएगा लीस्ट काउंट आपका ये देखिए यहाँ पे जीरो से हंड्रेड के बीच में कुल 20 लाइन है, और वोल्ट मीटर में भी आपको क्या है यहाँ पे आपने देखा है तो ये कितने वोल्ट का है आपने देखना है तो ये 3 वोल्ट का है, और यहाँ पे क्या है 500 है, ये 3 वोल्ट का है, मिली एम्पियर ये कम का है, ये लगभग जो है आधा हाफ एम्पियर का है, ये वोल्टेज ज़्यादा का है, तो आपने देखा कि इसके बीच में कितनी टोटल लाइन है, इसके बीच में कुल 20 लाइन है और इसके बीच में कुल कितनी, इसमें भी 20 लाइन, क्योंकि इसमें 100 का डिफरेंस है, और इसमें क्या है इसमें 0 से 1 के बीच में भी 20 लाइन है, इसमें भी उतना ही होगा, पर ये 1 लिखा या 100 लिखा, ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा, ये आधा एम्पियर का मतलब हाफ एम्पियर इसमें देखने को मिलेगा, और इसमें जो है आपको मिल जाएगा कितना होगा ये 3 वोल्ट का है, ठीक है, कितने वोल्ट का है 3 वोल्ट का है, तो आप लोग ऐसे देख सकते हैं, इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट करके समझ सकते हैं, ठीक है, आप लोग देख लीजिए।